दोस्तों, बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां दोनों ही टीमों के बीच 3 T20 मैच की सीरीज के बाद अब 3 वनडे मैच की श्रृंखला खेली जा रही है। इस वनडे सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को हराया। जिम्बाब्वे की टीम ने एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए जीत दर्ज की और अब 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है, जबकि इन दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 7 अगस्त को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों, इस मैच का हम यहां आपको पूरा प्रेडिक्शन बताने वाले हैं। इसके लिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैश कर ले सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि आपको हर मैच का प्रेडिक्शन और सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर खेले जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 141 इंटरनेशनल वनडे मैच इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 67 और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 73 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है। आमतौर पर इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने सबसे अधिक मैच जीते हैं और औसत स्कोर की बात करें तो वनडे मैच में 250 से 260 रन इस मैदान पर औसत स्कोर रहता है। इसके अलावा टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 350 रन बना है, जबकि लोएस्ट स्कोर 35 रन रहा है। पिछले वनडे मुकाबले में पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही थी और जिम्बाब्वे की टीम ने 303 रन के स्कोर का पीछा करके मैच जीता। दोनों ही टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो पहले बात करेंगे जिम्बाब्वे टीम की। T20 सीरीज जीतने के बाद जिम्बाब्वे की टीम काफी अच्छा खेल दिखा रही है। पहले वनडे मुकाबले में भी टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, खासकर सिकंदर रजा, जिन्होंने 135 रन की पारी खेली। सिकंदर रजा के अगर पूरे करियर पर गौर करें तो उन्होंने अभी तक 115 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3,366 रन बनाए हैं, जिसमें उन्हें 77 छक्के जड़े हैं और 280 चौके जड़ गेंदबाजों को चुनौती दी। जबकि इनोसेंट काइया ने 110 रनों की पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाई। अगर इनोसेंट काइया के बारे में जाने तो अभी तक खेले गए 4 ODI में उन्होंने 228 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 22 चौके जड़े हैं और इनकी अभी तक 1 सेंचुरी हो गई है। ऐसे में वनडे मैचों की श्रृंखला में जिम्बाब्वे की टीम ने बढ़त बना ली है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी टीम कुछ इस तरह का ही प्रदर्शन करना चाहेगी। टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में कोई बदलाव टीम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मैच में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश टीम की बात करें तो T20 मुकाबलों में टीम को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा है और पहले वनडे मुकाबले में भी जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन टीम के गेंदबाज स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए। ऐसे में मुकाबले में बने रहने के लिए टीम को किसी भी हाल में दूसरा वनडे मुकाबला जीतना होगा और इसके लिए टीम को बल्लेबाजी और खासकर गेंदबाजी रणनीति में बदलाव करना होगा। हालांकि दूसरे मैच में कुछ बदलाव टीम में देखने को मिल सकते हैं, खासकर गेंदबाजी में। अब मैच प्रिडिक्शन की बात करें तो अब तक दोनों ही टीमों के बीच कुल 79 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 50 मुकाबले बांग्लादेश और 29 मुकाबले जिम्बाब्वे की टीम ने जीते हैं, जबकि टीमों के बीच खेली गई पिछली वनडे सीरीज में सभी मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने जीते थे, लेकिन इस बार जिम्बाब्वे की टीम कुछ अलग अंदाज में अपना खेल दिखा रही है। ऐसे में T20 के बाद जिम्बाब्वे की टीम वनडे सीरीज में अपने नाम करना चाहेगी और उम्मीद है कि दूसरा मुकाबला काफी रोमांचक होगा, लेकिन इस बार जिम्बाब्वे की टीम मुकाबला जीत लेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, यहाँ क्लिक करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।